नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में कोरोना को लेकर के राहत भरी खबर सामने आई। फतेहाबाद के जंडवाला बांगड़ में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 26 वर्षीय युवक के संपर्क में आए हुए 31 लोगों के सैंपल नेगेटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा युवक के परिवार के 9 लोग और 3 पुलिसकर्मियों सहित 31 लोगों के सैंपल रोहतक लैब में जाँच के लिए भेजे गए थे, लेकिन इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राहत की सांस ली गई। गौरतलब है कि गांव जंडवाला बांगड़ का रहने वाला 26 वर्षीय युवक तब्दीली जमात के संपर्क में आया था और उसके संपर्क में आने वाले 31 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसे कोई भी जानकारी देते हुए फतेहाबाद के डिप्टी CMO डॉक्टर हनुमान सिंह ने बताया कि गाँव जंडवाला बांगड़ का 26 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसके संपर्क में आए हुए कुल 31 लोगों के सैंपल भी नेगेटिव आए हैं। युवक में इस समय कोरोना के लक्षण नहीं है, इसको लेकर के एक रिपोर्ट और भेजी जाएगी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। एक्चुअली हमने जो हमारा पॉजिटिव केस आया है जांडवाला बागड़ का ना, उसकी फैमिली के 9 व्यक्ति थे, 9 उसके घर के ही 9 व्यक्तियों के सैंपल लिए थे, वो 9 के 9 नेगेटिव आ गए। 3 पुलिस कांस्टेबलों के लिए थे, वो भी नेगेटिव आ गए। और उस गांव के 29 सैंपल और लिए थे, वो भी नेगेटिव आ गए। और एक दूसरा गांव था उसके साथ में लगता ही, उसके 2 सैंपल भेजे थे, वो भी नेगेटिव आ गए। तो 31 टोटल 31 सैंपल नेगेटिव आ गए कल के हमारे, और परसों के हमारे आगे 12 प्लस में 12 सैंपल नेगेटिव आ गए। तो राहत भरी खबर है फतेहाबाद की, बहुत ही अच्छी खबर है कि भाई उसकी फैमिली के सभी लोग नेगेटिव आए हैं और उस जो व्यक्ति है उसको भी कोई सिम्टम नहीं लग रहा जो पॉजिटिव आया है। उसको अंदर भी ना कोई खांसी जुखाम वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं दे रहे थे। तो लगता है कि कुछ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, उनकी एक्चुअल रिपोर्ट देखते हैं क्या आती है, एक और फाइनल रिपोर्ट आनी है। जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद है सर उनकी? हाँ, वो स्वस्थ हैं, अभी भी स्वस्थ हैं। हाँ जी। तो क्या सतर्कता बती जा रही है गाँव के अंदर? जिस तरह से गाँव के अंदर सारे हमने पुलिस फोर्स हर नाका 8 नाके लगाए हुए हैं उस इलाके में, और पुलिस फोर्स हमारी वहाँ पर तैनात है। हमारे जो हेल्थ वर्कर की टीम बनाई हुई है वो डोर टू डोर जाके सर्वे कर रही हैं, और हमारा कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, एक कोविड हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है उधर ही स्कूल के अंदर जांडवाला बागड़ में। ठीक है, थैंक यू।